एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मैमल्स के अंदर हम स्टडी करेंगे मैमल्स की स्किन हेयर क्लास और स्किन के अंदर प्रेजेंट ग्लैंडस को तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू जोलॉजी विद आमना तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में स्किन की बात करें तो स्किन जो है हमारे पास टू काइंड ऑफ लेयर पे कंसिस्ट होती है एपिडर्मल और डर्मल लेयर एपिडर्मल्स हमारे पास स्किन की आउटर लेयर है और डर्मल जो है वो स्किन की इनर लेयर है और ज़्यादातर हमारे पास एलिमेंट्स लाइक ब्लड वेसल्स लिम्फेटिक वेसल्स नर्व एंडिंग्स और ग्लैंड जो हैं वो डर्मल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं अब स्किन का फंक्शन क्या है स्किन प्रोटेक्ट करेगी मैकेनिकल इंजरी से इन्वेन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और सन की अल्ट्रा वायल्ट लाइट से इसके अलावा स्किन इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर रेगुलेशन में क्योंकि हम कह रहे हैं ग्लैंड्स भी स्किन के डर्मल लेयर के अंदर प्रेजेंट हैं तो ये जो ग्लैंड्स है ये वाटर से क्रिएट करेंगे एवेपोरेटिव कूलिंग में जो कि हेल्पफुल होगा हॉट वेदर में इस तरह टेम्परेचर रेगुलेट करने में स्किन जो है वो किसी हद तक बेनिफिशियल है सेंसरी परसेप्शन में क्योंकि नर्व एंडिंग्स भी डर्मल लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं इसके अलावा एक्सक्रीशन में कुछ ग्लैंड ऐसे भी हैं जो साल्ट से क्रिएट करते हैं स्किन के अंदर और बाकी वाटर रेगुलेशन के अंदर भी अब हेयर जो है ये भी स्किन से या एपिडर्मस से अराइज हो रहा है एक स्ट्रक्चर है जो कि कैरेटिनाइज टेरिवेटिव एपिडर्मस का मतलब ज़्यादातर कैरेटिन से मिलकर बना हुआ और एपिडर्मस से अराइज हो रहा है और एपिडर्मस के अंदर एक इन्वेजिनेशन जो कि आगे ड्रमस के अंदर जाएगी इसके अंदर पड़ा होता है जिसको हम हेयर फॉलिकल का नाम देते हैं अब अगर ऑर्गेनिज्म की फुल बॉडी के हेयर्स की बात करें या कोट ऑफ हेयर की बात करें तो इसको हम पेलेज का नाम देते हैं और ये जो पलेज है ये टू काइंड ऑफ हेयर पे मुश्तमिल होता है गार्ड हेयर्स और अंडर हेयर्स गार्ड हेयर्स जो होते हैं ये साइज़ में थोड़े बड़े होंगे और स्मॉलर इंसुलेटिंग हेयर यानी अंडर हेयर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे अब हेयर मोल्टिंग जो हमारे पास होती रहेगी सारे के सारे मेमल्स के, के केस में क्योंकि हेयर का अगर हम स्ट्रक्चर को देखें जो स्ट्रक्चर हमारे पास ये एपिडर्मस से नीचे होता है इसको हम नाम देते हैं हेयर रूट का और जो एपिडर्मस से बाहर होता है उसको हम नाम देते हैं हेयर शेफ्ट का तो ये जो हेयर शैफ्ट है इसके अंदर क्योंकि हमें पता है कोई भी ब्लड वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती इस वजह से ये सारे का सारा डेड सेल्स पे मुश्तमिल होता है सिर्फ और सिर्फ हेयर रूट को ही जो है वो ब्लड प्रोवाइड किया जाता है इस वजह से ये लिविंग पार्ट है और ये डेड पार्ट है और हमें पता हेयर शेफ्ट जो है वो साइज में काफ़ी बड़ा होता है हेयर रूट जो है वो तो छोटा सा स्ट्रक्चर है तो इसी वजह से डेड सेल्स पे मुश्तमिल होने की वजह से हेयर मोल्टिंग हमारे पास होती रहेगी और ह्यूमंस के केस में ये ग्रेजुअली होगी जिसकी वजह से हम इसको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते और बाकी मैमल्स के केस में रैपिडली होगी और रिजल्ट हो सकता है इसका अल्टर्ड पेलेज करेक्ट्रिस्टिक्स में यानी कि हो सकता है कि एक सीज़न में जो है वो इसका पलेज का कलर कुछ और हो और दूसरे सीजन में जो है वो कलर कुछ और हो जैसा कि अगर हम आर्कटिक फॉक्स के केस में देखें तो आर्कटिक फॉक्स जो है वो टू सीजन्स में मोल्टिंग करती है मतलब स्प्रिंग सीजन में मोल्ट करेगी और इसके अलावा जो है वो विंटर सीजन में मोल्ट करेगी तो जब विंटर में मोल्ट करेगी तो ज़्यादातर जो है वो वाइट और क्रीमी कलर लेगी ताकि अपने इन्वायरमेंट जो है किस इन्वायरमेंट में जो है वो किसी हद तक कंसील कर सके यानी छुप सके और स्प्रिंग के अंदर क्या करेगी ग्रे या येलो जो है वो कलर ले लेगी मोल्टिंग ले ले के साथ आगे अगर हेयर के फंक्शन को देखें तो एक तो हमने देख लिया इंसोलेशन के अंदर दूसरा इसका फंक्शन है सेंस ऑफ टच के अंदर कि मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हेयर की वो स्टिमुलेट करेगी नर्व सेल्स को जो कि रूट हेयर के साथ एसोसिएटेड होते हैं इसके अलावा हमारे पास जो गार्ड हेयरस हैं वो मॉडिफाइड हो सकते हैं थिक शेप्ट हेयर में यानी जो हेयर का आउटर पोर्शन है जो स्किन से बाहर पोर्शन है वो थिक हो मोटा हो और इसको हम नाम देंगे फिर बाइब्रेसी का अब ये जो वाइब्रेसिया है ज़्यादातर ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के केस में ये लेग्स नोज माउथ और आइस के जो है वो अराउंड प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जो वाइब्रेसी स्ट्रक्चर है ये हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और हर ऑर्गेनिज्म में इसकी लोकेशन जो है वो यही हो जैसा कि हम कैट के, के केस में देखते हैं तो कैट में हमें पता है कि वाइब्रेसी जो है वो जिनको हम ब्रिटल्स का नाम देते हैं वो प्रेजेंट होती है ह्यूम्स के केस में देखें तो आइस की जो पलकें होती हैं वो भी वाइब्रेसी की ही एक फॉर्म है नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो एयर स्पेस है हेयर शैप्ट के अंदर और इसके अलावा एयर जो ट्रैप होती है स्किन और हेयर के दरमियान यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्किन है ये हमारे पास है जी गार्ड हेयर्स और गार्ड हेयर्स के नीचे हमारे पास है अंडर हेयर्स तो इस पोर्शन में जो हेयर एयर जो है वो ट्रैप्ड है ठीक है ये जो एयर ट्रैप्ड है ये इफेक्टिव इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगी इसके अलावा हेयर फॉलिकल के साथ बैंड और स्मूथ मसल्स भी एसोसिएटेड होते हैं यानी हेयर फॉलिकल अगर थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ड्रा कर लें तो इसके साथ जो है वो कुछ मसल्स टाइनी मसल्स एसोसिएटेड होते हैं जिनको हम अरेक्टर पेलाए मसल्स का काम करते हैं नाम देते हैं ये जो अरेक्टर पेलाए मसल्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हेयर है वो बिल्कुल अपराइट जो है वो स्टैंड कर जाएगा जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ट्रैप्ड एयर की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी और ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को इंसुलेशन मिल सकेगी इसके अलावा अगर देखें तो ये जो एरेक्टर पिलाए मसल है ये हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल होता है जो कि हमें पता फ़ाइट और फ्लाइट कंडीशन को भी कंट्रोल करता है तो जब ऑर्गेनिज्म अगर फाइट और फ्लाइट कंडीशन में तो क्या होगा तब भी एरेक्टर पेलाए मसल जो ऑर्गेनिज्म की टेल और नेक पे प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से क्या होगा टेल और नेक के जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल स्टैंड अपराइट हो जाएंगे जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के इंक्रीज्ड साइज़ की जो है वो परसेप्शन मिलेगी अगर हेयर कलर को देखें तो हेयर कलर जो है वो कॉस्ट डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ तो मेलानिन पे कि कितना मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट है हेयर के अंदर और इसके अलावा एयर की कितनी क्वांटिटी जो है वो हेयर शाफ्ट के अंदर जो है वो ट्रैप्ड है इन दो चीज़ों पे जो है वो हेयर कलर डिपेंड करेगा और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के केस में जो अंडर हेयर्स है होते हैं है, वो लाइटर इन कलर होते हैं और जो हमारे पास आउटर या फिर जिनको हम गार्ड हेयर्स का नाम देते हैं जो गार्ड हेयर्स होते हैं वो डार्क इन कलर होते हैं इसका ये बेनिफिट होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट में किसी हद तक जो है वो छुप सकता है ज्यादा इतना ज्यादा वाजिया नजर नहीं आएगा ओके okay, आगे हम देखते हैं कि कुछ मेमो जो है वो अपोसमेटिक कलरेशन भी शो करते हैं अपोजमेटिक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ब्राइटली कलर्ड होते हैं और ब्राइट कलर का मतलब होता है कि उनकी स्किन के अंदर जो है वो पॉइजनस क्लैंड प्रेजेंट हैं आगे अगर पिलेस को देखें तो कुछ मैमल्स के अंदर जो है वो पिलेज बिल्कुल रिड्यूस होता है जैसे कि ऐसे मैमल्स जो कि हॉट क्लाइमेट में रहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट और कुछ एक्वेटिक मैमल्स के केस में भी पिलेज जो है वो बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि उनके पास जो है वो फैटी इंसुलेशन जिसको हम ब्लबर का नाम देते हैं वो प्रेजेंट होते जैसा कि वेल के केस में नेक्स्ट अगर क्लास को देखें क्लास मतलब पंजों को देखें तो पंजे जो हैं वो ज़्यादातर लोकोमोशन में यूज़ होंगे ऑफेंसिव और डिफेंसिव बिहेवियर में यानी कि ये हमारे पास है क्लास तो ये किसी पे हमला करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं अपने बचाव के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और इसके अलावा मूवमेंट में भी अब क्लास कैसे बन रहे हैं जब टर्मिनल फैलेंगस या टर्मिनल जो यानी कि जो उंगली के जो दरमिया बोन है मिड वाली बोन के ऊपर जो है वो जब कैराटीन डिपॉजिट होगा तो उसी कैराटिन के डिपोज़िशन से जो है वो क्ला बनेगा और कुछ के केस में यही जो क्लास है ये नेल्स के अंदर भी मॉडिफाइड हो हो सकते हैं जैसे कि हम प्राइमेट्स के केस में देखें तो ये हमारे पास है नेल और इसके अलावा जो है वो हूब्स के अंदर भी मॉडिफाइड हो सकते हैं जैसे अगर हम ऑर्डर आर्टियोडक्टाला और ऑर्डर के केस में देखें तो नेक्स्ट अगर हम स्टडी करें ग्लैंड्स को तो ग्लैंड जो है वो भी एपीड्रामस से ही डेवलप करें मतलब कि एपीड्रामस से तो नहीं बल्कि ये हमारे पास यहाँ पे डरमस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले अगर सेबेशियस क्लैंडस को देखें तो सबेशियस क्लैंडस जो वो है वो हेयर फॉलिकल से एसोसिएटेड होते हैं हमें पता है सबेशियस क्लैंड ने जो है वो सीबम या ऑयल सक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करनी होती है अब ऑयली जो सक्रीशन है ये लुब्रिकेट करेगी स्किन को ऑफकोर्स और उसके अलावा वाटर प्रूफ भी बनाएगी बाकी अगर क्लैंडस को देखें तो और हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट कारण जैसे कि सडोरी फायरस क्लैंडस हैं तो सडोरी फेरस में हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं एकराइल ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड्स एकाइन ग्लैंड जो है वही साइज में छोटे हैं और ज़्यादातर वाटर सिक्रीशन रिलीज करेंगे ताकि एवेपोरेटिव कूलिंग की जा दी जा सके ऑर्गेनिज्म को और लार्जर एपोक्राइन ग्लैंड जो है ये साल्ट का मिक्सर यूरिया और यूरिक एसिड का मिक्सर से क्रिएट करेंगे जो कि जैसे ही स्किन के स्किन के ऊपर आएगा फॉरन से स्किन के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस पर अपने जो है वो रिएक्शंस करके उसको ऑडोरस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे इसके अलावा जो मस्क क्लैंड हैं वो भी कुछ ऑर्गेनिजम के केस में फीड फेस और एनस के अराउंड जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं और इनका काम होता है सेक्रेट करना हमें पता है फैरामस इस तरह के हॉर्मोन्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सेक्रेट हो और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे तो फेरास जो है ये स्पीशीज़ रिकॉग्निशन सेक्स रिकॉग्निशन में जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं नेक्स्ट अगर मेमोरी ग्लैंड्स को देखें तो मेमोरी ग्लैंड जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल मेमल में फंक्शनल होते हैं और मेल मैमल्स में फ़ंक्शनल नहीं होते हैं। अब ये जो मिल्क से क्रिएट करेंगे ताकि जो यंग वन है उस पर फीड कर सके इस मिल्क के अंदर प्रेजेंट होगा वाटर कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स फैट्स प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़ जैसे कि हम देख सकते हैं हिमन्स के केस में और इसके अलावा काओ के केस में आगे अगर हम मोनोट्रीम्स की बात करें मोनोट्रीम्स मतलब के जो एग लेइंग मैमल्स हैं तो मोनोट्रीम्स के पास भी मेमोरी ग्लैंड ऑफ तो कोर्स प्रेजेंट है इसी वजह से तो इनको क्लास मेमेलिया के अंदर रखा गया है लेकिन इनके मैमरी ग्लैंड के आगे निपल्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट नहीं होता ये ग्लैंड जो है ये बेली की डिप्रेशन में मिल्क जो है वो डिस्चार्ज करेंगे जहाँ से यंग जो है इसको लैब कर लेगा तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़दी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़